हेलो व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। देन आप लोग को पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करके ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज करना है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा डिक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको सेचुरेशन को फुल डिक्रीज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एम्बियंस को थोड़ा डिक्रीज करना है, उसके बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा डिक्रीज करना है। नेक्स्ट आपको शेडो को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने के बाद फास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद व्यू एडिट्स के ऊपर क्लिक करके आपको ट्यून इमेज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ब्रश आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फोटो को जूम करना है, जूम करने के बाद फेस और हाथों को इरेज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको व्हाइट बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना है थोड़ा, ठीक है। टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद आपको सिंपली ऊपर जाके 3 को थोड़ा इंक्रीज करना है, 3 को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको व्यू एडिट्स पे क्लिक करके व्हाइट बैलेंस के ऊपर क्लिक करके ब्रश के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको व्हाइट बैलेंस को 0 में रख के फोटो को जूम करके फेस और हाथों को इरेज कर लेना है। आपको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है, या आपको बिग्नेटिक पे क्लिक करके आउटर ब्राइटनेस को थोड़ा डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है डन। फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करके फेस स्पॉटलाइट को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। आपको 30:51 में रखना है। उसके बाद आपको स्किन स्मूथिंग को फुल इंक्रीज करना है थोड़ा, उसके बाद आपको आई क्लैरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद डिटेल्स पे क्लिक करके आपको स्ट्रक्चर को थोड़ा इंक्रीज करना है, उसके बाद आपको शार्पनिंग को फुल इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट आपको कर देना है डन। तो ये हो गया, आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर करके, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है।